Hello, welcome to GrajiGuru. We are starting with a new session, and in this session, we'll see few of the questions which will be based on what? Derivatives of second order. So, ya fir main bolunga derivative of second order ya second order derivative. Ye do mein se koi bhi cheez bola, dono ka meaning same hai. So, yahan pe, before we start with that, we will understand second order derivative ka concept. Second order derivative matlab kya hota hai? एक फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका एक बार डेरिवेटिव लिया तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. वो फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव लिया तो वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो यहां पे विल डायरेक्टली स्टार्ट विद व्हाट वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट. सो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. सो यहां पे आई विल राइट इट एज लेट वाई इज इक्वल टू. मैं यहां पे लेट वाई इज इक्वल टू ये लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस 3x square plus log x. ये question लिखा ठीक है. ये question लिखा, ये question का मुझे बोला गया है find the second order derivative of this function. Now when they use the term as second order derivative, वो इसका मतलब होता है ये function दिया है, ये function को मैं differentiate करूंगा with respect to x तो मुझे मिलेगा dy by dx. तो ये जो dy by dx है इसको बोला जाएगा as what फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्योंकि ये फंक्शन का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया अब तक एक बार कर रहे हैं. दैट इज यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर क्योंकि ये x रेज़ टू n प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव. तो 3 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पे 2x तो ये हो जाएगा 2x प्लस log x का डेरिवेटिव तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. सो अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अपॉन x. अरे ये मुझे वैल्यू दिया dy by dx व्हिच इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब मुझे ढूंढना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा. तो इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे x. मतलब अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है मतलब मैं इसको लिखते वक्त लिखूंगा d by dx ऑफ व्हाट वैल्यू तो मैं बोलूंगा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ये फंक्शन को तो d by dx ये डिनोशन हो गया ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. एंड कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो मैं लिखूंगा dy by dx इज इक्वल टू अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 3 कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंट किसके साथ है फंक्शन के साथ तो 3 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 6x तो 6 कॉन्स्टेंट है तो 6 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा 1. फिर यहां पे आएगा प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव चाहिए तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर तो इसका आंसर आ जाएगा 6x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. एंड ये टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. एंड ये जो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है इसको बोला जाता है एज व्हाट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको बोला जाएगा एज व्हाट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सिंस इधर y था तो फर्स्ट ऑर्डर इज dy / dx एंड सेकंड ऑर्डर इज d स्क्वायर y / dx स्क्वायर. अगर यही चीज यहां पे विल सी वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. इसमें अगर मैं ऐसे लिख के देता हूं लेट y के जगह पे मैं लिख के देता हूं एज व्हाट लेट f ऑफ x इक्वल टू लेट क्या लिखा f ऑफ x. इधर y लिखते थे तो उसको डिफरेंशिएट कर देते तो dy / dx होता था. अगर यहां पे f ऑफ x लिखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश ऑफ x. एंड जैसे ही ये फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला d स्क्वायर y / dx स्क्वायर. वैसे यहां पे f डैश ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार तो आपको मिलेगा f डबल डैश ऑफ x. तो ये डिफरेंस अपन समझेंगे यहां पे. तो f ऑफ x इक्वल टू अगर मैंने यहां पे लिखा x रेज टू 5 प्लस 5 रेज टू 5 प्लस यहां पे मैं लिख देता हूं एज व्हाट x रेज टू माइनस 7 प्लस log सॉरी यहां पे e रेज टू x लिखा ठीक है. ये क्वेश्चन है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन में उन लोगों ने दिया कंसीडर मैंने किया एज व्हाट f ऑफ x ये मुझे क्वेश्चन दिया गया था दैट इज ये टर्म को डिफरेंशिएट करो एंड यू नीड टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
तो मैंने यहां पे लिखा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, पहले तो डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे एक बार डिफरेंशिएट किया इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो वी राइट ओवर हियर एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक्स रेज टू फाइव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाइव इंटू एक्स रेज टू क्या आएगा फोर। अभी फाइव रेज टू फाइव है, ये भी नंबर है ये भी नंबर, नंबर रेज टू नंबर मतलब कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो। एक्स रेज टू माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन, एक्स रेज टू माइनस सेवन माइनस वन मतलब ये हो जाएगा माइनस एट, प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई रेज टू एक्स। सो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं फाइव एक्स रेज टू फोर माइनस सेवन एक्स रेज टू एट प्लस ई रेज टू एक्स, एंड ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट एफ डैश ऑफ एक्स, एंड ये एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे ढूंढना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं यहां पे लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू मतलब इसका डेरिवेटिव, तो फाइव कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू फोर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू फोर हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, फिर यहां पे माइनस सेवन कॉन्स्टेंट है वो बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू माइनस एट, तो ये हो जाएगा माइनस एट एक्स रेज टू माइनस एट माइनस वन दैट इज माइनस नाइन, प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेज टू एक्स, सो इसका आंसर आ जाएगा फाइव फोर मतलब ये हो जाएगा ट्वेंटी एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस फिफ्टी सिक्स एक्स रेज टू माइनस नाइन प्लस ई रेज टू क्या हो जाएगा एक्स, एंड दिस इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड दिस इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये डिफरेंस है वाई था तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिस इज द डिनोशन फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स है तो एफ डबल डैश इज द डिनोशन फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डिफरेंस समझाना था इसलिए दो अलग अलग कैटेगरी से हमने उसको सॉल्व किया, एंड विल मेक अ नोट ऑफ दिस टू क्वेश्चन। We'll start with the next question, that is question number 20. Find d square y upon dx square if y is equal to 4x cube plus 3x square plus 4x minus 25. Ye question mein diya gaya hai, y is equal to. So, yahan pe y is equal to directly diya hai. So, I will not use the term as what let y is equal to. Ab tak kya ho raha tha? Khali differentiate the following function bolate the. तो इसलिए मैं वहां पे लिखता था इधर लेट y इज इक्वल टू या लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है y इज इक्वल टू मतलब वैल्यू दिया गया है एज 4x क्यूब बोला है, उसके बाद दिया है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25, ये क्वेश्चन दिया गया है, मुझे बोला गया है ढूंढना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब वी नीड टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ये टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, फोर कॉन्स्टेंट भार बट फंक्शन के साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मतलब थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री कॉन्स्टेंट भार, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट ये भार, डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा वन, एंड डेरिवेटिव ऑफ खाली कॉन्स्टेंट है तो ये बन जाएगा जीरो, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एज व्हाट 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये बन जाएगा dy बाई dx, एंड ये जो dy बाई dx है इसको मैं बोल सकता हूं एज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सिंस मुझे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ढूंढना है since I need to find value of this, मतलब मुझे second order derivative ढूंढना है, इसका मतलब है ये जो first order है इसको वापिस से differentiate करेंगे, तो इधर मैं use करूंगा term as what again differentiating this with respect to क्या लिखूंगा x, so again differentiating this with respect to x, ये मुझे term देगा as what dy dx of dy by dx, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको वापस से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए लिखा यहां पे d बाई dx ऑफ क्या टर्म, तो मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
तो जाके अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब क्या आएगा, ये जो 12 है वो कॉन्स्टेंट है, तो 12 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये मुझे देगा 2x प्लस 6 कॉन्स्टेंट है ये बार डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 1 हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 जो है वो हो जाएगा 0 सो दिस बिकम्स 24x प्लस 6 एंड ये जो है ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब ये 24x है प्लस 6 है तो ये दोनों भी 6 का मल्टीपल है तो 6 कॉमन लिख सकता हूं एंड इसको लिख सकता हूं एज व्हाट 4x प्लस 1 With this question is done. We start with next question, that is question number 28. For that, I'll read the question. The question says, find the second order derivative with respect to x of the function. So, of the function bola hai and bola gaya hai, y is equal to. Toh main yahan pe likhunga e raised to 2x. Sorry. Question mein diya gaya hai 2e raised to x minus log x minus 4 raised to x ये question दिया गया and question में clearly mention किया गया है find a second order derivative now since ये y दिया है इसका second order derivative मतलब मुझे d square y upon dx square ढूंढना so यहाँ पे पहले तो मुझे क्या करना होगा differentiate करना होगा with respect to x तो ये मेरे को देगा first order derivative क्योंकि मैं differentiate कर रहा हूँ एक बार तो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx अब मैं बोलूंगा 2 जो है वो कांस्टेंट है बट ये कांस्टेंट किसके साथ है फंक्शन के साथ तो 2 बार डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा e रेज टू x फिर आएगा यहां पे माइनस साइन है तो माइनस log x का डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन x फिर यहां पे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 4 रेज टू x तो ये जो 4 रेज टू x है वो a रेज टू x कैटेगरी है तो उसका आंसर आएगा a रेज टू x log a तो ये वैल्यू आ गया सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 2e raised to x आएगा माइनस सॉरी यहां पे सिंप्लीफिकेशन का जरूरत मतलब 2 into e raised to x तो उसको 2e raised to x बोलेंगे माइनस 1 upon x will remain as it is minus 4 raised to x into log 4 तो ये टर्म आ गया ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद का आंसर अब ये टर्म को मैं यहां पे लिखूंगा अगेन Differentiating this with respect to x. Since मुझे second order ढूंढना था तो अभी first order का वापिस से derivative लिखूंगा तो इधर लिखेंगे d by dx of dy by क्या लिखूंगा dx. मतलब अभी ये टर्म का derivative लेना तो 2 वापिस से क्या दिख रहा है constant है ये constant किसके साथ है function के साथ है तो constant बाहर derivative of function that is e raised to x with respect to x तो उसका answer क्या हो जाएगा e raised to x. फिर आएगा minus तो ये माइनस साइन आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x चाहिए नाउ सिंस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x ढूंढना है तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है तो मैं बोलूंगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर फिर आएगा यहां पे माइनस अभी 4 रेज टू x log 4 तो 4 रेज टू x ये फंक्शन है बट log 4 ये फंक्शन नहीं है तो log 4 कांस्टेंट बोल के मैं बाहर लिखूंगा एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज टू x मतलब a रेज टू x कैटेगरी आएगा तो उसका डेरिवेटिव का आंसर होता है a रेज टू x log a मतलब यहां पे आएगा 4 raised to x log 4 नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं पहले तो ये टर्म को लिखेंगे as d square y upon dx square ठीक है फिर ये आ जाएगा 2 into e raised to x ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 1 upon क्या आएगा x square अब इसको मैं लिखूंगा माइनस 4 raised to x अब ये log 4 है ये log 4 है तो log 4 into log 4 तो इसको मैं लिख सकता हूं log 4 the whole square with this question is done we'll make a note of these two questions now we'll start with the next question that is question number 22 question mein diya gaya I'll read the question if f of x is equal to log of x square plus 5 find f double dash of x क्वेश्चन में दिया गया पार्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये बोला गया एंड ढूंढने बोला है फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स नाउ सिंस एफ डबल डैश ऑफ एक्स आया इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंस वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा एक्स तो मुझे मिलेगा f डैश ऑफ x
तो ये log x जैसा फंक्शन है, मतलब log ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा दिया गया है, log ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा दिया गया है क्योंकि ये x के टर्म्स में, इसलिए ये log x जैसा फंक्शन कंसीडर होगा। एंड स्टैंडर्ड लिस्ट में log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x। अरे बट यहां पे x की जगह पे क्या है, तो मैं बोलूंगा x स्क्वायर प्लस 5, बट ये पार्ट जो है वो x नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट माई स्टैंडर्ड फंक्शन, तो वी टेक डेरिवेटिव ऑफ जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो क्या स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। तो इसका मतलब आएगा यहां पे x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 जो है ये हो जाएगा 0। सो यहां पे क्योंकि ये खाली कांस्टेंट है इसलिए 0, एंड x स्क्वायर मतलब x रेज़ टू n था, तो ये आ गया। अभी 2x प्लस 0 मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया मेरा f डैश ऑफ x। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है f डबल डैश ऑफ x ढूंढना है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का वापस से डेरिवेटिव लूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x। अगर मैं यहां पे टर्म देखता हूं तो मैं बोलूंगा 2x मतलब ये भी फंक्शन ऑफ x है, अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 ये भी फंक्शन ऑफ x है। Now, since ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी फंक्शन ऑफ x है, we need to apply which rule? तो मैं बोलूंगा अपॉन में है इसलिए कौन सा रूल आएगा, कोशेंट रूल। तो यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई होगा। What is u अपॉन v रूल, तब बोलेंगे इट इज v, मतलब यहाँ पे v के जगह पे क्या आएगा x square plus 5 into derivative of u that is 2x minus 2x into derivative of v that is x square plus 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू मुझे देगा, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ x आएगा यहां पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में। अभी 2x का डेरिवेटिव अगर मैं देखता हूं तो 2 कांस्टेंट है किसके साथ है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट विद द फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड फंक्शन जो है दैट इज x, तो मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। सो ये एक पार्ट हो गया, माइनस ये हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 जो है दैट इज ओनली कांस्टेंट है, तो ये पार्ट हो जाएगा इज व्हाट 0 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू 2 माइनस 2x into 2x, तो ये बन जाएगा 4x square whole divided by, ये हो जाएगा x square plus 5 the whole square। Next step में 2 into x square, ये हो जाएगा 2x square plus 10 minus 4x square whole divided by, ये हो जाएगा x square plus 5 the whole square। So अब ये देखा 2x square plus 10 minus 4x square, तो इसको मैं लिख सकता हूँ what 10 minus 2x square whole divided by x स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। एंड इसके बाद वाले स्टेप में ये 10 है और ये 2 है, तो मैं 2 कॉमन लिख सकता हूं, तो ये बच जाएगा 5 माइनस क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन एंड विल बी कट आउट ऑफ दिस। Start with the next question, that is question number 23. We say find d square y upon dx square if y is equal to, so yahan pe again y is equal to, this value is given root, I'll use the term as x square plus 3x plus 1, ye question diya gaya and bola hai find what d square y upon dx square। The meaning of this is again we need to find what second order derivative। So यहाँ पे first we start with, मैं बोलूँगा यहाँ पे सबसे पहले तो differentiate करेंगे इसको with respect to क्या बोलूँगा x, तो first order मिलेगा, तो dy by क्या लिखूँगा dx। Now this is root में x square plus 3x plus 1 है, so root x जैसा function है, तो root x का derivative होता है
वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ये आ जाएगा। बट ये टर्म एक्स नहीं है तो मैं यहां पे बोलूंगा इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन, ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन। नाउ व्हेन आई से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर तो ये हो जाएगा टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स तो ये हो जाएगा थ्री, एंड डेरिवेटिव ऑफ वन बोला तो ये हो जाएगा एज वॉट जीरो। सो अगर मैं ये टर्म देखता हूं तो आई से इट इज टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू रूट अवे एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन। ठीक है, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट टी वाई बाई टी एक्स। मतलब यहां तक मैं बोलता हूं, यहां तक हमने किया तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया। सिंस उन्होंने बोला है वी नीड टू फाइंड व्हाट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मतलब मुझे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो आई विल से अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई क्या बोलूंगा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू अब टू एक्स प्लस थ्री, ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, अपॉन टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है। नाउ सिंस दिस बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंस ये दोनों भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे अपॉन आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कोशेंट रूल विच इज इट इज वी, तो मैंने v वाला टर्म लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u तो ये टर्म लिखा, माइनस ब्रैकेट डालना जरूरी बिकॉज यहां पे दो टर्म है तो ब्रैकेट डालना कंपलसरी, एक से ज्यादा टर्म जब भी होता है ऑलवेज पुट ब्रैकेट बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर, तो ये टर्म आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा तो मैं बोलूंगा टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन द होल स्क्वेयर, ये डबल आ जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन इन टू, अभी टू एक्स है तो ये 2x का डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में, तो 2 बार एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे इट इज 2 इनटू 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 बिकॉज़ 3 इज ओनली कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट ऑफ ये टर्म है तो 2 ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जैसा फंक्शन तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स के लिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स प्लस क्या आएगा 1, बट ये एक्स नहीं है तो इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स प्लस क्या आएगा 1 होल डिवाइडेड बाई ये 2 बन जाएगा क्या 4 और ये रूट ऑफ स्क्वेयर हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स प्लस क्या आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट दिस एज 2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स प्लस क्या आएगा 1, ये जो पार्ट है उसका भी आंसर आ जाएगा एज व्हाट 2, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा अपॉन रूट में ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स प्लस क्या आएगा 1 इनटू, जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इनटू 2 ये बन जाएगा 4 रूट में ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आएगा 1, ये टर्म आ गया, इतना सिंपलीफिकेशन हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलूंगा दिस इनटू दिस तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर आ रहा है होल डिवाइडेड बाय यहां पे है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 1, ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 4 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आएगा 1। अब यहां पे देखने का इधर दो टर्म है इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट व्हाट 1, सो यहां पे 1 और ये टर्म का एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फुल डिवाइडेड बाय आ जाएगा द होल डिवाइडेड बाय बोलूंगा मैं दैट इज ये वैल्यू मतलब अब मैं बोलूंगा इधर जो मैंने लिखा है ये और ये ख्याली न्यूमरेटर का दो पार्ट हो गया अब डिनोमिनेटर में खाली एक टर्म है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या आएगा वन तो ये हो गया a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d तो a अपॉन b आ जाएगा ये डिवाइड अगर इन टू हो गया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वन ऊपर चला जाएगा और ये वाले टर्म के साथ चला जाएगा सो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट के डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर जो है दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा फोर ब्रैकेट रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा फोर मतलब टू एक्स द होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू इंटू टू ये हो जाएगा फोर इंटू एक्स तो फोर एक्स इंटू थ्री मतलब ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स तो यहां पर लिखूंगा प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर ये बन जाएगा नाइन होल डिवाइडेड बाय इधर मैंने इसके पहले ही बोला कि ये a अपॉन b है डिवाइड बाय c अपॉन d है तो हमने पहले ही बोला a एंड d साथ में जाएंगे b एंड c साथ में जाएंगे तो ये टर्म अभी इसके साथ जाएगा तो ये और ये साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन रूट में भी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या आएगा वन मतलब मैं बोलूंगा ये और ये टर्म दोनों भी के दोनों टर्म जो है वो एक्चुअली क्या है सेम सो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे इसको लिखा फोर एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखा ट्वेल्व एक्स प्लस आ जाएगा फोर माइनस यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा फोर नाउ सिंस ये और ये टर्म सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा थ्री एक्स प्लस वन ये आ गया और ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन रेज टू हाफ क्योंकि रूट है रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू हाफ तो इसको मैं लिख सकता हूं जो वैल्यू है रेज टू हाफ तो अब मैं क्या बोल सकता हूं ये और ये टर्म कैंसिल हो गया ये और ये टर्म कैंसिल हो गया सो अगर मैं यहां पे टर्म देखता हूं तो ये है फोर माइनस नाइन तो फोर माइनस नाइन किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा फोर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अभी यहां पे रेस टू कुछ नहीं है मतलब वन है यहां पे रेस टू हाफ है सिंस ये दोनों टर्म सेम है तो वन प्लस हाफ क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन तो उसका आंसर होता है ए रेस टू एम प्लस एन तो ये और ये मिलके मुझे पावर देगा एज व्हाट रेस टू थ्री बाई टू एंड ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं वापस से रिपीट करता हूँ ये जो कंडीशन था वो यहाँ पे लिख के बताता हूँ इट इज ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन मतलब मेरा बेस जो है वो सेम है यहाँ पे रेज टू कुछ नहीं है मतलब क्या है वन है सो ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू क्या होता है तो मैं बोलूंगा एम प्लस एन ये कंडीशन होता है एंड अगर तुम ये जो हम देखते हो तो यहाँ पे मैंने ये रेज टू वन था और ये रेज टू हाफ था तो वन प्लस हाफ किया तो वो हो जाएगा थ्री बाई टू एंड विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस We'll start with the next question, that is question number 24. I'll read the question. Question says, if y is equal to 7e raised to 2x minus 4e raised to minus 2x, then show that d square y upon dx square is equal to 4y. I'll read the question. It is y is equal to 7e raised to 2x minus 4e raised to minus 2x. Show that bola hai d square y अपॉन डी एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू फोर वाई ये प्रूव करने बोला शोधार्ड बोला मतलब प्रूव करना है
सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया, सो आई राइट द क्वेश्चन एज y इज इक्वल टू 7e^2x माइनस 4e^-2x, ये लिखा है। नाउ सिंस मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, सो आई विल से यहाँ पे डिफरेंशिएट दिस गिवन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, सो ये आएगा 7, ये कॉन्स्टेंट है बट ये कॉन्स्टेंट फंक्शन के साथ है, तो मैं बोलूंगा 7 डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखूंगा e^2x माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बट फंक्शन के साथ है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e^-2x है, ठीक है, तो ये 7 का 7 आ जाएगा। e^x जैसा फंक्शन है, e^x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन, e^2x है तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन अगर e^x है तो उसका डेरिवेटिव होता है e^x, बट ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो मैं बोलूंगा 2x। सेम है यहां पे आएगा माइनस 4, अभी ये भी e^-2x है, तो e^x जो है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो e^x का डेरिवेटिव होता है e^x, बट ये x पार्ट नहीं है, तो वी टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट -2x, सो यहां पे मैं लिखूंगा 7e^2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 4e^-2x एंड डेरिवेटिव ऑफ -2x तो ये हो जाएगा -2, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं एज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 14e^2 क्या आ जाएगा 2x, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एंड 4 2 ये हो जाएगा 8e^-2x, अरे ये मिल जाएगा मुझे dy by dx, मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट। अब मैं बोलूंगा इसके आगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, तो इधर मैं लिखूंगा d by dx ऑफ dy by dx, so this value is equal to d by dx of, can I say ये पूरा टर्म आ जाएगा, that is 14e^2x आ जाएगा plus 8e^-2x आ जाएगा, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ये 14 जो है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा e^2x प्लस 8 जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा e^-2x, सो यहां पे ये आ जाएगा 14 e^2x, मतलब ये कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा है, तो मैं बोलूंगा e^x, सो e^x का डेरिवेटिव होता है e^x, बट ये x नहीं है, तो d by dx of 2x plus 8, तो अगेन दिस इज e^x जैसा फंक्शन, तो e^x का डेरिवेटिव e^x, बट ये x नहीं है, तो d by dx of, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 14e^2 क्या आएगा 2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो मैं बोलूंगा 2 प्लस ये हो जाएगा 8e^-2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ -2x, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा 28e^2x हो जाएगा, 8 2 16 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आ जाएगा e^-2x आ जाएगा, सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 28 एंड 16 ये दोनों भी 4 के टेबल में डिविजिबल है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा 7e^2x माइनस, अच्छा 4 7 28 होता है, वैसे ही 4 कॉमन लिया तो 4 इंटू क्या करके तो 16 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4e^-2x, एंड अगर मैं ये टर्म ध्यान से देखता हूँ तो ये आ जाएगा 4, और ये जो पार्ट है दिस इज सेम एज माय क्वेश्चन में 7e^2x माइनस 4e^-2x, ये है मेरा वैल्यू ऑफ y, ये सेम पार्ट मुझे यहाँ पे मिला, तो अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते गए एज व्हाट y, एंड ये d2y अपॉन dx2 मिल गया, सिंस ये d by dx ऑफ ये टर्म है, इसको मैं लिख सकता हूं एज व्हाट d2y अपॉन dx2, सो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 4y, ये मुझे प्रूव करना था, तो यहां पे मैं लिखूंगा हेंस प्रूव, ठीक है, विद दिस सेक्शन इज ओवर, थैंक यू।